ले जी, सफ़र तो बस का अच्छा था, कंफर्टेबल सीट्स हैं और फ्री में आज हम यहाँ तक आ गए हैं। दरअसल हज तक हम उतरे हैं, हमें थोड़ी जल्दी थी। इसी तरह ये बसेस जो हैं हरम तक आपको ले जाएंगी। और ये भी भाई 6-7 महीने बाद मिल रहे हैं, तो जप्पी बड़ी घुट के डाली है दोनों ने माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। एक और खुशखबरी आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं, जो कि आज हमारा भाई भी आ गया है माशाल्लाह सऊदी अरब पाकिस्तान से। तो आपको भाई से मिलवाते हैं सबसे पहले। ये हमारे आगे आगे जा रहे हैं फाहद भाई, जो कि शर्मा रहे हैं। वो का चेहरा आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत चेहरा है। फाहद भाई अभी सामने नहीं आ रहे, कोई मसला नहीं है। आज हम आपको मक्कातुल मुकर्रमा की ज़ियारत भी करवाएंगे और इंशाल्लाह आपको इंजॉय भी करवाएंगे, सारे का सारा मक्का दिखाएंगे। और आज हम आपको एक बस का सफ़र दिखाएंगे, जो कि बहुत खूबसूरत सफ़र होने वाला है, जिसका आपको पहले मैंने तारफ भी करवाया था। तो चलिए चलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लें जी, ये बस स्टेशन आ गया है, यहाँ पर बस का इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह, और जल्दी यहाँ बस आएगी। तो पहले बस आई है, फाहद भाई ने बताया नहीं, तो बस निकल गई है। 20 मिनट अब इंतज़ार करना पड़ेगा, ये सिर्फ लेट बताने की वजह से। बहुत ही खूबसूरत ये बस स्टेशन बना हुआ है, यहाँ पे सामने ये नज़ारा आप देख सकते हैं, सड़क का बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। तो अब यहाँ बैठ के हम इंतज़ार करेंगे बस का। रमज़ान में जो है ये बस जो है फ्री हो जाती है, रमज़ान में इसके पैसे नहीं आपसे लेते। बीच में कभी ऐसे होता है कि 4 रियाल हो जाते हैं। अब आगे जो वक्त आ रहा है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अभी तक ये बस जो चल रही थी फ्री चल रही थी, कोई पैसा नहीं इसका ले रहे थे। अभी बस आती है, आपको बस का जो माहौल है अंदर से वो भी दिखाते हैं, और आपको सफ़र करके भी बताते हैं कि इसका सफ़र कैसा है और कितना लुत्फ़ होता है इस सफ़र। नहीं जी, बस आ गई है, अब इसमें बैठते हैं, देखते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या माहौल है। नहीं जी, माहौल बड़ा बेहतरीन है बस का, यकीन नहीं था इतनी खूबसूरत बस होगी। सीटें भी बहुत कंफर्टेबल हैं, एसी फुल चल रहा है। आपको अपना भी दीदार करवाता हूँ मैं। लें जी, सफ़र तो बस का अच्छा था, कंफर्टेबल सीट्स हैं और फ्री में आज हम यहाँ तक आ गए हैं। दरअसल हज तक हम उतरे हैं, हमें थोड़ी जल्दी थी। इसी तरह ये बसेस जो हैं हरम तक आपको ले जाएंगी और आप इजीली जा सकते हैं। हजियों के लिए ख़ास तौर पे ये जो बस है बहुत सुकून दे है, और फ्री में ये बस है। ये बस का स्टेशन है, जगह जगह पर इस तरह के आपको स्टेशन मिल जाएंगे। अब यहाँ से हम टैक्सी लेंगे और टैक्सी में हम जाएँगे हफायर। उधर हमारे फ्रेंड का एक मतम है और कुछ बचपन की यादें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। भाई अभी डील कर रहे हैं उसके साथ, देखिए अब क्या बनता है। उसके साथ नहीं बात बनी जी। कितने पैसे मांग रहा है? 35 हज़ार मांग रहा है जी एफ आई आर के। इसी बंदा अगर कोई पाकिस्तान से आया हो, वही बंदा बस में चला जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। एक और आया जी, अभी देखते हैं ये क्या कहता है। अगर रश है ना हरम के पास, रश है, ईद का पहला दिन है, तो इस वजह से ज़रा पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह मिल जाएगी कोई ना कोई गाड़ी कुछ। वो हम उतरे इस तरह की जगह पे, यहाँ ज़रा सन्नाटा है। स्टेशन मसाला बड़े प्यारे बनाए हुए हैं इन्होंने बसों के। बाकी कोई भी आना चाहे यहाँ पर बसों में बैठ के, तो बहुत खूबसूरत और आरामदेह सफ़र है। और जगह जगह पर स्टेशन हैं जहाँ पर आपने उतरना हो, अगर LCDs लगी हुई हैं आप वहाँ पर उतर सकते हैं बड़े आराम से। अब आगे का सफ़र भी आपके साथ शेयर करते हैं, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। चलो जी, 20 में आया जी ये 20 में। पहुंच चुके हैं हम हफायर में। यहाँ पे भी बचपन गुजरा है, मेरी खाला रहती होती थी यहाँ पे, छोटे छोटे हम आते होते थे। ये जी हफायर पहुंच गए हैं माशाल्लाह,
साथ में भी साथ है हमारे। ये जो दुकानें हैं ये भी पहले अपनी हुआ करती थी, यहाँ पे कपड़े की दुकानें थी हमारी, मोहम्मद भाई थे हमारे चाचू पाला थे, यहाँ पे उनकी दुकानें थी कपड़े की। और ये मार्केट अभी भी वैसी की वैसे ही है, 6-7 साल बाद मैं आया हूँ। और उनकी भी सारी अपनी जो ज़िंदगी है इधर इसी जगह पे ही गुजरी है माशाल्लाह से। ये मतम बन गया है, ये भी महल अरफान हुआ करती थी यहाँ पे। तो ये भी आपको मैं विज़िट करवाता हूँ, अली भाई गड़े हुए हैं इनसे भी आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अली भाई? सिंड्रेला के पे हो, सिंड्रेला। ये अली भाई हैं जी हमारे, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये इनका मतम है, ये मतलब है इनका भी, आपको अंदर से भी हम सारा विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह। ये भी भाई 6-7 महीने बाद मिल रहे हैं, तो जब भी बड़ी घुट के डाली है दोनों ने माशाल्लाह। ये जी आ गई है वही गली जहाँ पे मेरे कज़न भी रहा करते थे, और हमारा भी बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है उनके साथ। तरक्की काफ़ी हो गई है, लेकिन वो बिल्डिंग माशाल्लाह अभी भी वैसे की वैसे ही है। ये सामने भी एक होटल बन गया। चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर का माहौल भी देखते हैं कि कैसा है यहाँ। अंदर अब्बू जी भी हैं, अब्बू जी से भी मिलेंगे, नाना अबू भी लगते हैं हमारे। ये देखें वैसे का वैसा ही बिल्कुल माहौल है इस बिल्डिंग का, अभी तक बहुत पुराना वक़्त याद आ गया। वही सीढ़ियाँ, वैसी ही खुशबू। चलिए ऊपर जाके देखते हैं। कहाँ के जाना दरवाजा? यही नहीं जी, वैसे का वैसे ही माहौल है, सारे का सारा घर सोए। अबू जी सोए हैं जी, तो बाद में मुलाकात करेंगे अबू जी से। तो हमने उठाना उनको पसंद नहीं किया, क्योंकि हम अचानक आए हैं, बता के नहीं आए उनको, तो इस तरह बेहतर और मुनासिब नहीं है। बहरहाल यहाँ पे बहुत सी बचपन की यादें हैं। तब मैं यहाँ पे तकरीबन मेरी उम्र हो गई 5-6 साल की उम्र में भी मैं आया हूँ यहाँ पे। भाई वे यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं माशाल्लाह से, बड़ी खूबसूरत सी। भाई अभी हमें खाना भी खिलाएंगे यहाँ से, हम अभी ऑर्डर करते हैं और अली भाई के साथ बैठ के इंशाल्लाह खाना भी यहाँ पे खाएंगे। अली भाई हमारे लिए स्पेशल खाना तैयार कर रहे हैं बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ, तो देखिए कैसा खाना बनता है इनका। ये मतम अलनजूम है, ये मतम का नाम है, हफायर में है, मस्जिद बलादन के बिल्कुल पास है। आप भी अगर अच्छे और मयारी खाने खाना चाहते हैं कम रेट में, तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा जी। अली भाई ख़ुद ले कर आए हैं चावल बड़े खूबसूरत किस्म के साथ। ये फाहम है, चिकन का बना होता है, टिक्के हैं, कबाब हैं, दिखने में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, खा के देखते हैं कैसे लगते हैं। भाई की मोहब्बत है, सारा खाना खुद सर्व कर रहे हैं यार ये। ले जी अली भाई ने माशाल्लाह बड़ी खिदमत की है, ये खाना अली भाई ने तैयार करवाया अपने रेस्टोरेंट से, खा के देखते हैं कैसा बना है, आपको भी बताते हैं। दस कदम का सफर करके अगला देखें। ना भी मजे का लगा, बहुत मजे का था, खाना बहुत अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह। ये हमारे बड़े प्यारे भाई फाहद भाई, और हमने सबने खाना खा लिया है, बहुत मज़ेदार खाना बना हुआ था। तो ये मतम नजूम है, आप यहाँ पे आए और मज़ेदार खाने खाएं जी। ले जी खाना छाना हमने खा लिया है, अब हम जा रहे हैं वापस। यहाँ पे ये अली भाई हमें छोड़ने जा रहे हैं घर पे वापस। भाई हैं इन्होंने माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत की है हमारे साथ।
जी ये वापस जा रहे हैं, बल्ला खैर करे, पहुंच के आपसे मिलते हैं। घर पहुंच गए और यहीं पे व्लॉगिंग की एंड करते हैं और भाई को भी बाय बाय करते हैं। बाय, बहुत मज़ा आया भाई आपके साथ। ये व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।